टेंथ क्लास का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये वर्ड्स प्रॉब्लम दिया गया है और वर्ड्स प्रॉब्लम में सिचुएशन के अकॉर्डिंग में हम पहले लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे बाय ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग में, राइट। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। हमें यहाँ पे बोला गया है डायमेंशन फाइंड करो गार्डन का। डायमेंशन मीन्स हो गया लेंथ और ब्रेथ, राइट। तो पहले हम यहाँ पे लेंथ सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज एक्स मीटर, ब्रेथ ऑफ गार्डन इज वाई मीटर। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया गया है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखें तो हमें दिया गया है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ब्रेथ हमें कितना दिया गया है, वाई। लेंथ हमें हमने टेक किया है, दिया नहीं गया है, हमने टेक किया है वाई और लेंथ हमने टेक किया है एक्स। यहाँ पे हमें जो लेंथ दिया गया है वो ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, यानी दैट मीन्स अगर हम ब्रेथ में 4 मीटर ऐड कर देते हैं तो वो लेंथ के इक्वल में हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में हमने वही किया है, सो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, राइट। जिसे हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड हो गया। सेकेंड, अगर हम फाइंड करते हैं सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग में, सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया गया है, हाफ ऑफ पैरामीटर। हाफ ऑफ पैरामीटर हो गया कि पैरामीटर अपॉन 2, कितना दिया गया है इज 36, 36 दिया गया इज इक्वल टू 36। अब अगर हम पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b। तो हमने यहाँ पे हमने पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया 2l + b अपॉन 2, अपॉन 2 हमें पहले से गिवन है इज इक्वल टू 36। 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, लेंथ हमने लिया टेक किया है x, ब्रेथ किया है y, सो x + y इज इक्वल टू 36। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें ग्राफिकल इसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल के अकॉर्डिंग में हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं, एक्स को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 4 + y। अब यहाँ पे हम वाई की पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू रखते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो -4 देन एक्स इज 0, वाई इज 2 देन एक्स इज 6, y इज 0 देन x इज 4, राइट। इस तरह से हमने 3 वैल्यू फाइंड कर लिया x और y का, ऐसा हम कह सकते हैं सॉल्यूशन फाइंड कर लिया हमने। सेकेंड इक्वेशन में हम x को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसे अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो 36 माइनस वाई हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमें फिर फाइंड हो जाएगा y की वैल्यू हम पर्टिकुलर अलग अलग रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है x की वैल्यू। तो 16 अगर हम y की वैल्यू रखते हैं तो x हमें फाइन होगा 20, y की वैल्यू 24 रखते हैं तो हमें x 12 फाइन होगा, और x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 20 रखते हैं तो 16 फाइन हो गया। इस तरह से 12 24 16 20 20 16, इस तरह से हमें सॉल्यूशन फाइन हो जाएगा। 3-3 सॉल्यूशन हमने फाइन कर लिया। अब इसे हम ग्राफिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, राइट। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब जो भी हमें वहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड किया उनको प्लॉट कर देते, जैसे हमने फर्स्ट में फाइंड प्लॉट किया था, फाइंड किया था जीरो एंड माइनस फोर, तो 0 एंड -4 हो गया। सेकेंड हमने फाइंड किया था 4 एंड 0, राइट। थर्ड हमने फाइंड किया था 2 एंड 6 एंड 2, राइट, 6 एंड 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और इसे हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू एक लाइन फाइंड हो जाएगा। सेकेंड जो हमने सोल्यूशन सॉल्व किया था उसमें भी हम इसी तरह से पॉइंट्स को प्लॉट कर देते, 12 24 16 20 20 16, और इसे हम ड्रॉ करते तो हमें फाइंड हो जाएगा 20 एंड 16। और यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते तो ये 20 एंड 16 में से ये लाइन पास हो रहा है, दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट 20 एंड 16। तो यहाँ पे 20 और 16 ये हमारा हो गया आंसर। अभी एक्स जो फर्स्ट होता है वो एक्स होता है, जो सेकेंड है वो y कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू हो गया 20 और y की वैल्यू हो गया 16। दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 20 एंड 16।
अब यहाँ पे हमने लेंथ लिया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 20, राइट, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। गिवेन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्मेट एज फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया, दूसरा इक्वेशन हमें एज इट इज हमें अपने मन से लिखना है, हमें अपने मन से लिखना है कि जिससे ये कंडीशन यानी दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन अगर दोनों का ग्राफ बनाया जाए या लाइन बनाया जाए ज्योमेट्रिकल ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए उसे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, राइट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या था, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो ऐसा हम यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं जिससे ये कंडीशन फॉलो हो। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे हमने 2x प्लस 3y माइनस 8 हमें गिवेन है और हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जिससे अगर हम फाइंड करते हैं ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जिससे ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा और हमें फाइंड हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन में हमारा कंडीशन क्या था, पैरेलल लाइन में कंडीशन था कि फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो इक्वल हो और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं हो, दैट मीन्स ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 हमें गिवेन है, तो हम इसके पैरेलल में लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम फाइंड करते हैं ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू दोनों इक्वल होंगे बट सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं होगा, राइट। थर्ड हमें दिया गया है कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन के लिए हमें क्या कंडीशन बताना पड़ता है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, यानी तीनों रेशियो सेम होना चाहिए। तो तीनों रेशियो सेम हो, इस तरह से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिया 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 का, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कॉन्सिडेंट पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड सेड ट्राइंगुलर रीजन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये पहले हमें तो ये लाइन ड्रॉ करना है इन दोनों का, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें बताना है कि ट्राइंगल का जो वर्टाइसिस होगा वो क्या होगा, और जो वर्टाइसिस हमें लेना है वो एक्स एक्सिस पे लेना है हमें, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन और एक्स एक्सिस, राइट। तो अभी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया हमने एक्स को और वाई माइनस वन फाइन हो गया। अब वाई की हम अलग अलग वैल्यू रखते हैं, जैसे अगर हम वाई इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो एक्स हमें 2 फाइन हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई माइनस वन फाइन होगा, वाई इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो 3 फाइन होगा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हम एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो 12x माइनस 2y अपॉन 3 फाइन होगा। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू हमें 4 फाइन होगा। अगर हम y इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो हमें x इज इक्वल टू 2 फाइन होगा। अगर हम y इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 फाइन होगा। अब इसे हम पहले ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, y एक्सिस और x एक्सिस हमने ले लिया और यहाँ पे हमने प्लॉटिंग कर दिया जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे 4 0 हमने फाइंड किया था। पहले हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमने फाइंड किया था माइनस वन एंड 0 एंड 2 एंड 3, राइट। तो इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन हमें फाइंड हो जाएगा। सेकेंड अगर हम सेकेंड फाइंड करते हैं 4 0, राइट, और 2 3, और थर्ड है 0 एंड 6, तो इसे अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो हमें फाइन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस के रिलेटेड में जाएँ तो एक्स एक्सिस में हमें फाइन हो गया माइनस वन जीरो एंड 4 एंड 0, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो 3 एंड 0। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगुलर है इसके वर्टाइसिस हो गए 2 3 माइनस वन जीरो एंड 4 एंड 0। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई भी आपको डाउट है आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर अब तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।